आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपने अपने इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना, बानी पाकिस्तान। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना का आज जुमे पैदाइश मनाया जा रहा है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना की जिंदगी जुर्रत, अंथक मेहनत, दयानतदारी, हक गोई का हसीन इम्तिजाज थी। बड़े सगीर की आज़ादी के लिए बाबाए कौम का मौकिफ दो टोक रहा। न कांग्रेस उन्हें अपनी जगह से हिला सकी और ना ही अंग्रेज सरकार उनकी बोली लगा सकी। क्रिसमस का त्यौहार, 400 खुशियों की पुहार, मसीही बरादरी खुशी से सरशार। मसीही बरादरी आज अपना मजहबी त्यौहार क्रिसमस मना रही है। गिरजाघरों को बरकी कुमकुमों, क्रिसमस ट्री से सजा दिया गया। सेंटा क्लॉज बने बच्चों की एक दूसरे को मुबारकबाद। गिरजाघरों में मजहबी गीतों की तकारीब का इनेकाद। मुल्की सलामती के लिए खसूसी दुआएं। नवाज शरीफ की अडियाला जेल से आज कोर्ट लखपत जेल मुंतकली। नवाज शरीफ के लिए जेल में बी क्लास बैरिक में गद्दा, अखबार, दो कुर्सियां, मेज की सहूलत, घर के बर्तन इस्तेमाल करने की भी इजाजत होगी। महकमे दाखिला की हदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नवाज शरीफ जेल में 69वीं सालगिरह मनाएंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस और रेंजर्स तायुनात। लीगी कारकुनान को कायद के इस्तकबाल के लिए कोर्ट लखपत फाटक पहुँचने की हदायत। सितंबर 2017 में दायर हुआ, दिसंबर 2018 में फैसला हो गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद, 3 अरब 47 करोड़ रुपए जुर्माना। 10 साल तक अवामी ओहदे के लिए नाहिल। एहतसाब अदालत का अल-अज़ीज़िया और हिल मेटल की जायदाद जब्त करने का हुक्म। नवाज शरीफ को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। हसन और हुसैन नवाज मफूर करार, दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। फ्लैगशिप रेफरेंस में मियां नवाज शरीफ बरी। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आने पर लीगी आग बगोला, मतवाले जज्बाती। नसीराबाद पार्टी ऑफिस में फैसला सुनते ही टीवी तोड़ दिया, जबरदस्त नारेबाजी की। मेंबरान असेंबली शाइस्ता परवेज और किरण डार आपदीदा हो गई। फैसला समझ से बालातर है, मायूसी हुई। परवेज मलिक, नवाज शरीफ के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं, मेयर लाहौर। खोकर बरादरान समेत पटवारियों के असासा जांच समेत मुख्तलिफ केसेस की समाअत। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में समाअत करेंगे। अदालत ने एंटी करप्शन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान को आज तलब कर रखा है।